अखिल भारतीय किसान सभा की। राकेश जी को दूं उससे पहले मैं सूचना है, क्योंकि पत्रकार वार्ता में हम सूचनाओं के लिए आते हैं, मैं कुछ प्रमुख सूचनाएं आपके सामने रख देता हूं। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा की, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 तारीख को उन्हें 6 हमारे जो पेंडिंग इश्यूज थे उसकी चिट्ठी गई। 2 हफ्ते तक सरकार से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परसों 7 तारीख को सरकार की तरफ से पहला ड्राफ्ट आया। हमने चर्चा की, स्पष्टीकरण मांगे, बदलाव मांगे, उसके चलते कल फिर एक रिवाइज प्रस्ताव सरकार का आया, उसके बारे में चर्चा हुई, सब लोगों ने यहां उसे सहमति दी, और उसके बाद आज सुबह संजय अग्रवाल सचिव कृषि विभाग की तरफ से चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी प्राप्त हुई है। उसमें और कल के प्रस्ताव में मामूली तरमीम है, लेकिन हमने सोचा लार्जर इश्यूज के अंदर उसको नजरअंदाज करने का फैसला किया है। लेकिन उसकी मुख्य बात मैं आपको बता दूं। नंबर 1, संजय अग्रवाल जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, उनका उनकी तरफ से चिट्ठी आई है। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी कि हमारे हजारों साथियों पे केस है तमाम राज्यों में, सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करें। हमने उसे खारिज किया, और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है उस पर भी करो, हमने कहा था कि यूटी में दिल्ली का नाम स्पेशली आना चाहिए और बाकी राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके बारे में भी सहमति हो गई। मुआवजे का सवाल था, उस पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बात उससे आगे भी बढ़ गई है, इनफॉर्मली हमारे दोस्त बता देंगे। हमें कहा जा रहा है कि जी कल चंडीगढ़ आ जाओ, मुआवजा ले जाओ, यहां तक हो गई है बात। पंजाब ने तो पहले ही दिया है। बिजली बिल, जिस पे हमें एतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। रह गई बात एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया है। ये सब देखते हुए, मोर्चे की स्थिति देखते हुए, हम एक और पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का मुआवजा, 5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे, सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है, इसलिए हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे, धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं,
सभी को परसों विजय बना के कलम बनाना चाहते थे, लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की का अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए हैं प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इस देश के किसानों को 70 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है जो किसानों की राष्ट्रीय आवाज उठा के आगे जा सकता है। हमने तय किया है एक महीने बाद फिर मिलेंगे, 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पे कायम है कि नहीं है, और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। बस आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले एक साल में किसानों ने 3 काले कानून तो रद्द करवा ही लिए, 3 बहुत बड़ी चीजें हासिल की है। किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसान ने अपनी एकता बनाई है, और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। इन तीनों उपलब्धियों के साथ चुनौतियां हैं जिसको आके लेके बढ़ेंगे। पिछले एक साल में हिंदुस्तान के किसान ने दिखा दिया है कि हम अतीत में, इतिहास में नहीं, हम इस देश के प्रेजेंट और फ्यूचर में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी बोले। आप सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का धन्यवाद, और बहुत सी बातें आप सब लोगों के सामने होगी है, आई है। एक साल तक जो आप प्रेस के लोग हर रोज खबरें दिखाते रहे, आप सबका धन्यवाद। और यहां से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा, एक बड़ी चीज है देश के लिए। और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है, और कल जो एक दुखद घटना देश के साथ है, कल एक दुखद घटना देश के सामने है। हम उस दुख की घड़ी में हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।